दोस्तों बॉलीवुड की सबसे मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का 2 जुलाई को कार्डियक अरेस्ट के चलते 71 साल की उम्र में निधन हो गया। लंबे समय से बीमार चल रही सरोज खान को बांद्रा की एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उनके निधन के बाद अब लोग उनके बारे में काफी कुछ जानना चाहते हैं, तो ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि सरोज खान कितनी संपत्ति की मालिक थी और वो अपने पीछे कितने रुपये छोड़कर गई हैं। लेकिन दोस्तों आगे की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सरोज खान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इनकी संपत्ति के बारे में ये सब बातें जानना चाहती हैं तो आप हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको बता दें सरोज खान का जन्म 22 नवम्बर 1948 को मुंबई में हुआ था, जो हिंदी सिनेमा की सबसे प्रमुख भारतीय डांस कोरियोग्राफर थी। सरोज खान ने अपने 40 साल से ज्यादा के करियर में 2000 से ज्यादा गानों को कोरियोग्राफ किया था, जिसकी वजह से उन्हें द मदर ऑफ डांस कोरियोग्राफी इन इंडिया के रूप में जाना जाता है। सरोज खान ने अपने जीवन में कई अवार्ड जीते हैं, जिसमें 3 नेशनल फिल्म अवार्ड भी शामिल हैं, जो उन्हें फिल्म देवदास, श्रीगरम और जमी बैठ के लिए मिले थे। अगर बात करें सरोज खान की कुल संपत्ति के बारे में तो आपको बता दें विकिपीडिया, फॉर्ब्स और IMDb के अनुसार सरोज खान की कुल संपत्ति लगभग 1 मिलियन से 5 मिलियन डॉलर तक की है। बता दें कि सरोज खान बॉलीवुड की सबसे अमीर कोरियोग्राफरों में से एक थी। उन्होंने आखिरी बार फिल्म कलंक का गाना तबाह हो गई को कोरियोग्राफ किया था। तो दोस्तों सरोज खान की संपत्ति के बारे में आपको जानकर कैसा लगा, हमें अपनी ये राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।